हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मास्टर पर। रक्षाबंधन की फ्रेंड्स, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 अगस्त और देख लेते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली भारतीय कंपनी बन गई है, पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसके ऑप्शंस है पतंजलि, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, महिंद्रा ग्रुप। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर सोचिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है स्कॉट मॉरिसन, जॉर्ज कैम्ब्रिज, एल्विन मार्श, पीटर डेटन। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर सोचिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी निर्देश में घरेलू झगड़े, दहेज हत्या के मामले में किसके रिश्तेदारों को पुख्ता सबूत बिना नामजद नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पति, पत्नी, सास, पिता। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर सोचिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एवं किस देश की सेना के मध्य हॉटलाइन स्थापित किए जाने को लेकर सहमति व्यक्त की गई है? ऑप्शंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर सोचिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजी में किस खिलाड़ी को टॉप स्थान हासिल हुआ है? ऑप्शंस है एबी डिविलियर्स, राशिद खान, क्रिस गेल, विराट कोहली। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर बताइए, फिर सोचिए, मैं फिर आपको राइट आंसर बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेवी के ने किस राज्य में ऑपरेशन मदद शुरू किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, आसाम। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर सोचिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 23 अगस्त 2018 को भारतीय हिमालयन क्षेत्र, इंडियन हिमालयन रीजन में निरंतर विकास पर विषय संबंधी कितने रिपोर्टों की शुरुआत की है? ऑप्शन है 7, 8, 10, 5। जल्दी से आंसर सोचिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की सूची के मुताबिक किस अभिनेता ने सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय अभिनेताओं की सूची में दूसरे वर्षों से शीर्ष पर रहे शाहरुख खान को पछाड़ दिया है? ऑप्शंस है अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणवीर सिंह, इरफान खान। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताइए फ्रेंड्स, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ।
ओके फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वर्ष 2018 और 19 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर बताइए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। 6.5%, 4.5%, 5.5%, 7.5%। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 7.5%। फ्रेंड्स ये तो थे आज के हमारे कंट्रोवर्सी रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट और क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी मास्टर।